एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य अकेले बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि एज अ लीडर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती है। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती तो उन्हें पता नहीं चलता था कि वो क्या करें और उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी तो चंद्रगुप्त अपने गुरु के पास जाते थे, महान चाणक्य के पास जाते थे। इस बार भी जैसे ही वो एक मुश्किल सिचुएशन में पड़े तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे गुरु के पास जाओ और उनसे कहो कि उनके शिष्य को उनकी जरूरत है और मैं उनके पास आके उनसे मिलना चाहता हूँ। चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य से बहुत दूर एक आश्रम में रहते थे। जैसे ही चंद्रगुप्त चाणक्य के आश्रम में पहुंचे वो फटाफट अपने गुरु के कमरे में पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ चाणक्य नहीं थे। जब आश्रम के लोगों से चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि चाणक्य तो बहुत दिन से आश्रम में नहीं है और ना ही उन्होंने किसी को बताया है कि वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे। चंद्रगुप्त बहुत निराश हो गए। उन्होंने अपने कई सैनिकों को अपने गुरु चाणक्य को ढूंढने को कहा, लेकिन चंद्रगुप्त जानते थे कि अगर चाणक्य नहीं चाहते कि कोई उन्हें ढूंढ पाए तो भगवान भी उन्हें नहीं ढूंढ सकते। काफी टाइम तक चाणक्य को ढूंढने के बाद चंद्रगुप्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने खुद के मंत्रियों को बुलाया और अपनी प्रॉब्लम बताई। सब लोगों ने मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बहुत समय के बाद चाणक्य वापस अपने आश्रम में आए और उन्हें पता चला कि चंद्रगुप्त उन्हें ढूंढ रहे थे। ये सुनने पर चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त से मिलने गए। जैसे ही चंद्रगुप्त ने चाणक्य को देखा उन्होंने चाणक्य के पैर छुए और कहा, आचार्य आगे से ऐसा मत कीजिएगा, मुझे अकेले मत छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे राज्य की मुश्किलों के वक्त मेरे साथ रहें। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब तुम्हारी मुश्किल खत्म हो गई है? इस पर चंद्रगुप्त ने कहा, हाँ किसी तरह हमने इसका सलूशन निकाल लिया। इस पर चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त हमेशा याद रखो तुम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तुम अपने से इंटेलिजेंट लोगों की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो एंड में तुम्हें ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही इस किंगडम के लीडर हो। इस पर चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा डिसीजन सही है? आनवीक्षिकी, सोचने की कला, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आनवीक्षिकी सिखाई थी, चाणक्य ने कहा। दोस्तों अब हम आनवीक्षिकी यानी साइंस ऑफ थिंकिंग के 6 तरीके देखते हैं जो चाणक्य ने बताए थे, और ये सारे तरीके हम आपको राधा कृष्णन पिल्लई की बुक इनसाइड चाणक्य's माइंड आनवीक्षिकी एंड द आर्ट ऑफ थिंकिंग से बताएंगे। राधा कृष्णन पिल्लई एक ऐसे इंडियन है जिन्होंने चाणक्य को बहुत डिटेल में पढ़ा है और इन्होंने चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में PhD की है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से जो कहता है अल्टरनेटिव थिंकिंग। अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि काफी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन हो सकता है और एक ही प्रॉब्लम के काफी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हमें एक सोल्यूशन फोकस्ड माइंड रखना पड़ेगा, ना कि प्रॉब्लम फोकस्ड माइंड। चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में काफी अल्टरनेटिव थिंकिंग के तरीके बताए हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा फेमस तरीका एक 4-स्टेप प्रोसेस है। ये मेथड कहता है साम दान दंड भेद। ये मेथड इतना फेमस है कि आज भी इसे मिलिट्री स्ट्रेटजी, फॉरेन पॉलिसी या क्राइम डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आता है साम, जिसका मतलब है डिस्कशन। हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा रहता है कि हम कोई लड़ाई ना करें, वॉर शुरू ना करें और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फ्रेंडली डिस्कशन करें। अगर दो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो एक नॉर्मल डिस्कशन से हम विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दान, जिसका मतलब है गिफ्ट। हर इंसान की कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं और उसे गिफ्ट चाहिए होते हैं, तो अगर हम उनकी जरूरत को समझ कर उन्हें गिफ्ट देते हैं तो हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। इसको हमें रिश्वत नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे म्यूचुअल बेनिफिट की नजर से देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है भेद यानी डिविजन। जो लोग फ्रेंडली वे में काम नहीं करना चाहते उनके साथ ये स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है, और यही स्ट्रैटेजी अंग्रेजों ने हमारे साथ यूज करी थी, डिवाइड एंड रूल। हम भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दंड, जिसका मतलब है ताकत या फोर्स। जब कोई और तरीका काम ना कर रहा हो तो ये लास्ट मेथड है जिसे यूज किया जा सकता है, इसीलिए चाणक्य इसे लास्ट सोल्यूशन मानते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जरूरी नहीं कि इन 4 मेथड्स को इसी सीक्वेंस में अप्लाई किया जा सके, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपके ऊपर अटैक करता है एक हथियार लेकर, तो हमें बचने के लिए डायरेक्टली 4th सोल्यूशन में ही आना पड़ेगा, यानी दंड यूज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स में दंड मेथड को हमें लास्ट में अप्रोच करना चाहिए। आनवीक्षिकी का नेक्स्ट मेथड कहता है बोथ साइड लर्निंग। चाणक्य की एक खास बात ये भी थी कि वो दोनों तरीकों से सोचते थे। काफी लोगों से हमने सुना है कि पॉजिटिव थिंकर्स को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए,
बड़ा सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो हम फेस कर सकते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को दोनों तरीकों से देखते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। चाणक्य बोलते हैं कि अच्छे लोग तो आपको सिर्फ अच्छी एडवाइस देंगे, लेकिन मतलबी लोग ही आपको बता सकते हैं कि आपके प्लान में क्या क्या कमियां हैं। हमारी नजर हमेशा अपने गोल में होनी चाहिए, फिर चाहे प्रॉब्लम्स कोई भी आए। ये उसी तरीके से है कि जब एक नदी ओशियन की तरफ जा रही होती है तो उसके रास्ते में काफी पत्थर आते हैं, लेकिन वो बड़ी नदी पत्थर के किनारे से निकलते हुए अपने गोल तक पहुंच जाती है। इसी तरीके से हमें भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक ही प्लान पर नहीं टिकना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स चेंज करते रहने चाहिए, लेकिन गोल को कभी नहीं भूलना चाहिए। अनविक्षिकी का नेक्स्ट मेथड आता है लीडरशिप थिंकिंग। चाणक्य ने बहुत सारे राजाओं को सोचना सिखाया। चाणक्य कहते हैं कि अगर हम एक लीडर की तरह सोचना चाहते हैं तो हमें एक लीडर ही बनना पड़ेगा। एक असली लीडर का कोई स्वार्थ नहीं होता और वो बिना किसी मतलब के अपने लोगों की सेवा करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि एक लीडर एक पेरेंट की तरह होता है। पेरेंट्स की खुशी इसी में है कि उसके बच्चे खुश रहें, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को बेस्ट स्कूलिंग मिले। अगर बच्चा जीतता है तो उसके माँ बाप को लगता है कि वो भी जीत गए। एक लीडर भी इसी तरीके से सोचता है, लेकिन चाणक्य बोलते हैं कि कई बार हित के लिए यानी भले के लिए हमें सुख यानी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। हो सकता है कि एक बच्चा बीमार है और वो दवाई नहीं खा रहा क्योंकि वो कड़वी है, तो उसमें पेरेंट्स बच्चे का हित देखेंगे, भला देखेंगे और उसे जबरदस्ती दवाई खिला देंगे। वैसे ही अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता फिर भी एक पेरेंट उसे जबरदस्ती स्कूल भेजता है, और वो इसीलिए है क्योंकि उस बच्चे की उस वक्त की खुशी उसके फ्यूचर के हित से बड़ी नहीं है। इसलिए अगर हम भी एक लीडर की सोच को ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमें एक पेरेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा। अनविक्षिकी का नेक्स्ट मेथड आता है क्रिएटिव थिंकिंग। चाणक्य हमेशा से एक बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकर रहे हैं। ये हमें अर्थशास्त्र से एक सूत्र से पता चलता है जिसमें चाणक्य हाथियों को पकड़ने के बारे में बताते हैं। पुराने जमाने में वॉर के टाइम में हाथियों का बहुत इस्तेमाल होता था, जैसे आजकल टैंक्स का होता है। चाणक्य ने हाथियों को बहुत डिटेल में स्टडी किया है और उन्हें पकड़ने के बारे में बताया है। चाणक्य बोलते हैं कि सिर्फ 20 साल के हाथी को ही पकड़ना चाहिए और एक फीमेल एलिफेंट जिसके पास बच्चा है या फिर एक बूढ़ी फीमेल एलिफेंट को नहीं पकड़ना चाहिए, और बेस्ट टाइम एलिफेंट्स को पकड़ने का गर्मियां है। इन कॉन्सेप्ट से दो चीजें क्लियर होती हैं कि चाणक्य हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे, और सेकंड वो हमेशा बेस्ट काम को करने का बेस्ट तरीका और बेस्ट टाइम ढूंढते थे। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस तभी चलेगा जब आपके बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म हो जाएंगे। हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करके अपनी कंपनी की मार्केटिंग और सर्विस को बेटर बना सकते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो सुपरस्टार्स अपनी मूवी दिवाली, दशहरा या ईद के टाइम में रिलीज करते हैं क्योंकि इस वक्त सबकी छुट्टियां होती हैं और लोग इंजॉय करने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं। अनविक्षिकी का फोर्थ मेथड आता है लेटरल थिंकिंग। ऑथर बोलते हैं कि मैंने दो कंपनीज में एज अ कंसल्टेंट काम किया है और वो दोनों कंपनी सीमेंट बनाती थी। एक कंपनी सुपर कॉन्फिडेंट थी कि वो किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है नेक्स्ट 20 इयर्स तक, जबकि दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पा रही थी और ऑलमोस्ट बिकने वाली थी। पहली कंपनी में सारे एम्प्लॉय स्टेक होल्डर्स खुश थे, लेकिन दूसरी कंपनी में सब इनसिक्योर थे और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे। ये इसीलिए था कि पहली कंपनी की लॉन्ग टर्म विजन थी, वो लिमिटेड रिस्क लेते थे और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को अपना कंसल्टेंट और मेंटर्स बनाते थे, जबकि दूसरी कंपनी की शॉर्ट टर्म विजन थी। उन्हें अभी इसी वक्त प्रॉफिट चाहिए होता था और वो सिर्फ प्रॉफिट को ही सक्सेस का एक पैरामीटर मानते थे। चाणक्य कहते हैं कि एंड में जीतता वही है जिसकी लॉन्ग टर्म विजन होती है, जिसने दूर की सोच के प्लान्स बनाए होते हैं। हम जितना डिटेल में और जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं वही हमें जिता सकता है। अनविक्षिकी का फिफ्थ मेथड आता है स्पिरिचुअल थिंकिंग। चाणक्य के टाइम में इंडिया दुनिया की रिचेस्ट कंट्री थी। चाणक्य ने वेल्थ के टॉपिक पर एक डिटेल्ड स्क्रिप्चर लिखा है, अर्थशास्त्र, लेकिन चाणक्य के अकॉर्डिंग नॉलेज ही असली वेल्थ है। चाणक्य कहते हैं कि अगर मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं बहुत सारे एम्परर्स बना सकता हूं। और चाणक्य हमेशा चाहते थे कि वेल्थ के साथ साथ हम स्पिरिचुअल थिंकिंग भी रखें। आजकल लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हर चीज का त्याग, मटीरियलिस्टिक थिंग्स से खुद को दूर कर लेना। चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि असली स्पिरिचुअल इंसान वही होता है जो एक्टिव है और एक्शन ओरिएंटेड है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम गरीबी में जिएं, बल्कि चाणक्य बोलते हैं कि अमीर होना और वेल्थ क्रिएट करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा एक सही तरीके से आ रहा हो। अमीर तो डॉन और गैंगस्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो हमारे रोल मॉडल्स नहीं है
ऑथर बोलते हैं कि हमें एक किंग साइज लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारा एक किंग साइज हार्ट भी होना चाहिए जिसमें सबके लिए जगह हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आंवेक्षिकी के बारे में यानी साइंस ऑफ थिंकिंग के बारे में देखा, जिसमें हमने 6 मेथड्स देखे। इसमें सबसे पहला मेथड था अल्टरनेटिव थिंकिंग, यानी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले साम यानी डिस्कशन का सहारा लेना चाहिए, फिर दान यानी गिफ्ट्स देके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, और एक्सट्रीम केसेस में भेद यानी डिविजन का सहारा लेना चाहिए, या फिर दंड यानी फोर्सफुली अपने गोल को अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट हमने बोथ साइड थिंकिंग देखी, जिसमें हमने देखा था कि पॉजिटिव चीजों के साथ साथ हमें पॉसिबली नेगेटिव चीजों के बारे में भी सोच लेना चाहिए, ताकि हम उन डिफिकल्ट सिचुएशन को भी प्लान कर सकें। थर्ड हमने देखा था लीडरशिप थिंकिंग, जिसमें हमने देखा कि अगर हम एक लीडर की तरह बनना चाहते हैं तो हमें एक पेरेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा, जो अपने बच्चों के भले के बारे में सोचता है और इसमें उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखा था क्रिएटिव थिंकिंग, यानी किसी भी चीज को करने के लिए कई सोल्यूशन हो सकते हैं, और हमेशा डिस्ट्रक्शन सोल्यूशन नहीं है, डिस्ट्रक्शन हमेशा लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था लेटरल थिंकिंग, यानी जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे एंड में वही जीतेंगे। और फाइनली हमने देखा था स्पिरिचुअल थिंकिंग, जिसमें चाणक्य बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब गरीबी में रहना नहीं है और मटेरियलिस्टिक चीज का त्याग करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा एक एथिकल मैनर में आना चाहिए। और चाणक्य के अकॉर्डिंग वेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है। चाणक्य ने कहा था कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं कई सारे एम्परर्स बना सकता हूँ।